शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से बुआ जी, मम्मी, मम्मी, बुआ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मम्मी, वो कीर्ति ने आपसे कुछ कहा था क्या? नहीं, क्यों? उसका कोई भी सामान कमरे में नहीं है, वो अपने सारे सामान के साथ घर से गायब है। लो जी, अब पता नहीं ये लड़की कौन सा नया ताजा तमाशा शुरू करने वाली है। आपने उन्हें फोन किया? मम्मी, कब से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रही। हम ना बता रहे, जिस दिन से ये लड़की इस घर में आई है एक ऐसा दिन नहीं गया कि इस घर में ताथैया करके हम सबको नचाया ना हो। एक काम करो, उसके मायके फोन करो, शायद वो वहां आ गई हो। परेशान करती है भाभी ये। हेलो मम्मी जी, कीर्ति सामान लेके यहाँ? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। वरुण बेटा, दरवाजे पर कोई है? शायद कीर्ति ही ना हो, मैं देखती हूँ। वरुण बेटा, कीर्ति यही आई है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये क्या पागलपन है कीर्ति, तुम बिना बताए यहाँ चली आई? वरुण जी का फोन आया था, सब बहुत परेशान है वहाँ पर। क्यों करती हो ये सब? क्या मजा आता है तुम्हें कीर्ति ये सब करने में? मम्मी, आपने सुना नहीं माँ ने क्या कहा? कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। तो लो, कर लिया हमने फैसला। वैसे भी हम ना बहुत थक गए, हमसे ना ये फालतू की बहस मत करिए। आप ना बस एक अच्छी सी चाय हमें पिला दीजिए, हमें बहुत थकान हो रही है, हमारी थकान दूर हो जाए। मम्मी, ये बैग ना बबलू को बोलिए हमारे कमरे में रख दे, और आप फटाफट चाय बना के ले आई, ठीक है? ओके। कीर्ति, मम्मी हम बहुत थक गए हैं। कीर्ति मेरी बात सुनो। ये भगवान, ये लड़की एक मौका नहीं छोड़ती हमारा नाक कटवाने का। अब तो ना श्रद्धा ही इससे निपटेगी। भी नहीं है। श्रद्धा अभी तक आई क्यों नहीं है? मुझसे पहले की निकली है घर से। वो श्रद्धा मैम अभी तक आई नहीं है ना, तो वही देख रहा था कि कहां रह गए। वैसे रोज ही इतने हैंडसम दिखते हो, या आज कुछ खास है? वाकई आज तो कुछ ज्यादा ही। वाकई आज तक श्रद्धा को कभी इतनी देर नहीं हुई है। श्रद्धा मैम, वो लेट नहीं आती है, पता नहीं कहाँ रह गई आज। अपनी बॉस के आने जाने का इससे ज्यादा ख्याल रखा करो अभय जी। तुम्हें नहीं पता, आज तुम्हारी श्रद्धा मैम छुट्टी पर है। छुट्टी? बट क्यों? श्रद्धा बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई, हम बहुत परेशान हैं। तुम्हारी बहन बिना बताए फिर से यहाँ आ गई है, तुम इसे कुछ समझाओ ना श्रद्धा। श्रद्धा कहाँ खो गई हो? नहीं मम्मी, मैं आपकी सारी बातें सुन रही हूँ। मम्मी, अब क्या आप दीदू से भी हमें डांट सुनवाएंगी? 4-5 दिन के लिए हम अपने घर आए हैं, हमारा मन था, उसमें गलत क्या है? वैसे दीदू, ये आपके हाथ में क्या है? जिस काम को करने में तुमने 2 बार नहीं सोचा, तो उससे बोलने में क्या तकलीफ?
बधाई हो श्रद्धा, तुम्हें तो आज पार्टी देनी चाहिए ना, इतनी बड़ी खुशखबरी जो मिली है तुम्हें। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी बेटा? श्रद्धा की नौकरी लग गई है मुंबई में आंटी जी। श्रद्धा बेटा, ये अभय क्या कह रहे हैं, तो मुंबई जाओगी? इसे मुझसे इतनी दूर जाना जितनी दूर ये जा सकती। श्रद्धा, तुम्हारी नफरत तो मेरी नफरत के भी आगे निकल गई। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा दोगी मुझे, अपने से इतना दूर कर दोगी ताकि मेरी शक्ल भी ना देख पाओ। इतनी नफरत करती हूं मुझसे? बोलो श्रद्धा। तुम्हारा जो ये जंगली पना है ना, जो तुम करते आए हो या कर रहे हो, इसके अलावा तुम और क्या उम्मीद रखते हो? ये मेरे और श्रद्धा के बीच की बात है, हमारे बीच में आज कोई नहीं आएगा। अरे यार, हो गई गलती मुझसे, क्या नहीं किया मैंने। अरे दिल से माफी मांगी है मैंने तुमसे, पर तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, मेरी तरह मेरी माफी भी खोखली निकली तुम्हारे लिए। तुम जाना चाहती हो ना? जाओ, अब नहीं रोकूंगा तुम्हें, ना ही मनाने आऊंगा तुम्हें, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा तुम्हें आज के बाद। तुम मुझसे आजाद हो, चल। हमारी दोनों बेटियां अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद करने में लगी हुई है सचिन जी। मम्मी बस श्रद्धा, बस अब क्या करने आ रही हो मेरे पास? जब इतना बड़ा फैसला तुमने अकेली ने ले लिया। क्या मम्मी, दीदू अपनी तरक्की के लिए मुंबई जाना चाहती है, तो क्या गलत है? तुम बीच में नहीं बोलोगी? अपना सामान बांधो, अभी के अभी तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ने जाऊंगी मैं। ये लीजिए पापा, खाने के बाद की आपकी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। भैया, मम्मी जल्दी आओ, देखो भैया घर वापस आ गए। अरे अरे बेटा, तू आ गया? अरे पर वो श्रद्धा नजर नहीं आ रही है, क्या वो पीछे से सामान लेके ऊपर आ रही है? हाँ, भाभी अकेले कैसे आएंगी इतना सारा सामान लेकर? मैं एक काम करती हूँ, मैं उनको लेकर आती हूँ, जाओ ना। अरे ये कोई पूछने की भी बात है? जाओ, हम भी आते हैं, हम उसका इंतजार करेंगे उसके गृह प्रवेश के लिए। ठीक है, आ जाओ। रुको, कोई गृह प्रवेश नहीं होगा श्रद्धा, अब कभी वापस नहीं आ रही। पर बेटा, तुम ही तो उसे मनाने गए थे ना। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि वो मान ही जाए, वो हम सबको छोड़ के जा रही है शहर से दूर हमेशा के लिए। आपकी इस गैर जिम्मेदार बेटी को घर से भागने की आदत है और आपको हर बार उसकी गलती पर पर्दा डालकर ऐसे माफी मांगने की। हमने आपको जाने से मना नहीं किया था,
लेकिन आपने तो बता के जाना भी जरूरी नहीं समझा। इतनी तो जिम्मेदारी बनती है ना आपकी। कीर्ति, कल इतना बड़ा हादसा होते होते बचा और आज ही तुम बिना किसी को बताए घर से चली गई। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या हाल हुआ होगा। इस बार इसे माफ कर दीजिए, मैं इसे समझा कर लाई हूं, फिर से ये गलती नहीं करेगी। अब हम क्या करें, हमें हंसी आ गई। भाभी, इन्होंने कहा ना ये कीर्ति को समझा कर लेकर आए। आपको पता है आपकी ये बेटी को समझाना मतलब वो भैंस के आगे बीन नहीं बजाते भाभी, वो बराबर है। समझी तो होगी नहीं आपकी बेटी, है ना? नहीं समझी ना तुम कीर्ति? और यशवी जी, अगर आपको अपनी बेटी को वापस लाना था तो अपनी दोनों बेटियों को साथ ले आती, कम से कम अभय उस बहाने इस घर वापस आ जाता। क्या अभय घर नहीं लौटे? मतलब अभय घर आ गए? और हमें ही नहीं पता भाभी। वाह, मतलब तनु भाभी ने अपने बेटे और बहू का गृह प्रवेश अकेले ही कर दिया। चलो कोई नहीं, हम खुश हैं कि श्रद्धा घर वापस आ गई। दीदू ने ना हमेशा के लिए इस घर से छुटकारा ले लिया। उनकी नौकरी मुंबई में लग गई है। क्या? तो दीदू नए साल में सिर्फ इस घर को नहीं, इस शहर को ही छोड़ के जा रही। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। श्रद्धा भैया जी, आज तो ना तीखा मीठा खट्टा सारे स्वाद के सारे बताशे हमें खिलाओ। लाइए लाइए, जल्दी दीजिए। रितु, हमारे बेटे की जिंदगी फीकी हो रही है और आप ना बस चाट के चटकारे ले लीजिए पहले। हाँ हाँ भी, चटकारों को ना कम ना समझिए, कभी कभी बंद दिमाग को भी यूं खोल देता है। अब मातम मनाना आप लोग सब बंद कीजिए और तीखा खाइए और अपने तीखे दिमाग को ना काम पर लगाइए। क्यों रितु, आप कहना क्या चाहती हैं? अरे हमें अभय और श्रद्धा को मिलाना है, सबको सोचना है। देखिए, हमने तो सोच लिया है, सब एक एक पानी के बताशे खाएंगे और फिर अपने अपने सुझाव देंगे। तो चलिए शुरू करते लेकर प्रभु का नाम। प्रभु का नाम तो लेना ही पड़ेगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। दीदू कल जा रही है। 24 घंटे है ना हम सबके पास, तो जरा अच्छा बोला करो तुम। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। वही तो, अबे ने कितना मनाने की कोशिश की लेकिन श्रद्धा एक मान ही नहीं रही। हाँ हाँ, अकड़ भी तो बढ़ गई है ना तरक्की के बाद। भैया जी, इसे ज्यादा तीखा दीजिए, जबान बड़ी तीखी है ना। तीखे को तीखा ही काटता है। और तुम ना अपना मुंह बंद करो, क्यों आई हो यहाँ पर? बुआ जी, उसे हमने बुलाया है। लो जी, रायते के साथ साथ ना खिचड़ी भी चली आई। हमने सुना कुछ, क्या बोला आपने? खिचड़ी? खिचड़ी बहुत पक गई, अब कुछ करते हैं, कुछ चटपटा खाते हैं, अभय और श्रद्धा को मिलाने का काम करते हैं। हमारी बातों पे गौर करना बंद करो तुम। हमें लगता है ना, हमें अपनी टांग तोड़वा लेनी चाहिए अनुजू की तरह। हाँ हाँ, दीदू को तो कंट्री छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए। हमारा मतलब कि बाहर देश में सब कुछ बहुत अच्छा होता है ना, वहाँ पे बीमारियाँ भी नहीं होती है। अरे भैया क्या कर रहे हो, चटपटा बनाओ ना, कितना फीका है ये। वैसे ना हमें लग रहा है कि श्रद्धा आ तो जाएगी आपकी सेवा करने के लिए, लेकिन जैसे ही आप ठीक हो जाएंगे वापस चली जाएगी, रुकेगी नहीं वो। इतना तो हम जान गए श्रद्धा को अच्छे से। मुझे ना एक आइडिया आया है, हम ना अभय भैया और श्रद्धा भाभी को दोनों को एक डेट पे भेज देते हैं, रोमांटिक वाली। नहीं, क्यों? वो जाएगी नहीं, और हम सोच रहे कि श्रद्धा की कमजोरी क्या है। अरे ऋतु, पहले तो आप ना तसल्ली से खा लीजिए, फिर बोलिए आपको क्या बोलना है।
हम ये कह रहे कि श्रद्धा की कमजोरी क्या है? देखिए, हम आप लोगों को समझाते, अगर खाने की भाषा में हम बताएं, तो श्रद्धा के लिए अभय अभी है कड़वी खीर। श्रद्धा का स्वाद अभी भी जिंदा है, बस हमें उसके स्वाद के पास उसे किसी भी तरह लेकर जाना है। हाँ, हम ना एक अच्छी सी बढ़िया सी न्यू ईयर की पार्टी करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। वाह, सही कहा तुमने कीर्ति। हाँ, फिर पुलिस भी आ जाएगी साथ में पार्टी करने। हाँ, हम ना कीर्ति की गोद भराई करते हैं। अरे भाभी, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। श्रद्धा ना अपनी बहन की गोद भराई के लिए कभी ना नहीं कहेगी। हाँ, और उन दोनों को साथ लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी। वेरी गुड। तो अब ये कार्यक्रम करना है। कार्यक्रम पूरा करना है, श्रद्धा और अभय को मिलाकर श्रद्धा को घर वापस लाने का मिशन शुरू। तैयार है आप सब? अरे बिल्कुल तैयार है। ये! नहीं, इतना करने के बाद वो घर वापस नहीं आ सकती। अभय सिर्फ मेरा है, श्रद्धा को तो हम सबकी जिंदगी से वापस जाना ही होगा। सुनो, नैना जी का फोन आया था। नए मेहमान के आने की खुशी में कीर्ति की गोद भराई रखी और हम सबको बुलाया है। मैं नहीं आ सकता वरुण, मुझसे ये फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं होंगे। तू तो चाचू बनने वाला है, इसकी जरा भी खुशी नहीं है तुझे? और ऐसे कैसे नहीं आएगा तू? अरे इस घर के पहले बच्चे का फंक्शन है, तुझे तो आना ही पड़ेगा। श्रद्धा, तुम्हारी बहन का पहला बच्चा है, उसकी खुशी तो मायने रखती है ना तुम्हारे लिए? लेकिन मम्मी, उसके लिए मुझे उस घर में जाना होगा, और इतना सब कुछ होने के बाद मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? कैसे मतलब? बेटा, तुम अकेले थोड़ी ना जा रही हो, हम सब साथ हैं तुम्हारे। देखो, तुम्हारे लिए कितनी अच्छी ड्रेस पसंद की है मैंने, ये देखो। अरे देख क्या रहा है, ये तेरे लिए बनवाया मैंने, मेरे बच्चे के इकलौते चाचू के लिए। अब आएगा ना? पता नहीं भाई यार। ठीक, अगर तुझे श्रद्धा की गम में जीना है ना, तो अब नहीं बोलूंगा तुझे भाई। वैसे चॉइस कमाल की है तेरी। चल, इस साल की शुरुआत एक नए अभय से करेंगे, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए ना आए, भाड़ में जाए, पूरा मोहल्ला देखेगा इस अभय को। देख लो श्रद्धा, तुम्हारी मर्जी है। नया मेहमान और नया धमाका, कौन भराई होगी या कौन किराई? परिवार में खुशी का धमाका होगा या धमाके में उड़ेगा परिवार? क्या तुम मुझे रोक पाओगे? नया साल मुबारक।